सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की मल्टीपर्पज़ हाल कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट की तरफ से अफगानिस्तान के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की अफगानिस्तान भेजने की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। इस मौके पर मुनक़ता तकरीब से चेयरमैन कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट चौधरी अख्तर, अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खसूसी नुमाइंदे मोहम्मद सादिक, चेयरमैन पाकिस्तान अफगानिस्तान कोऑपरेशन फोरम हबीबुल्ला, चेयरमैन जम्मू कश्मीर सोल्यूशन मूवमेंट इल्ताफ अहमद भट्ट और दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया। सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान ने अपने खिताब में कहा कि बैनुल अक़वामी बरादरी अफगानिस्तान के ज़लज़ला मुतासरीन की मदद के लिए आगे बढ़े, क्योंकि अफगानिस्तान की आवाम एक तवील अरसे से मुश्किलात का शिकार है। पहले रूस की जंग की वजह से अफगानिस्तान में जंग की सूरत हाल रही और अब अफगानिस्तान में हालिया ज़लज़ले के बायस बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। लिहाजा इस सिलसिले में कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट ने कपड़ों अद्वियात और खुराक पर मुश्तमिल सामान के 29 ट्रक अफगानिस्तान भेजे हैं। मैं इस मौके पर इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी अपील करूंगा कि वो भी बढ़ चढ़ कर अफगानिस्तान के ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद के लिए आगे बढ़े। 5 अगस्त 2019 के बाद वो वहाँ की डेमोग्राफी चेंज कर रहा है, वो वहाँ की जो 45 लाख लोगों को उन्होंने फेक डेमोसाइल दे दिए हैं, डिलिमिटेशन करके वहाँ पर कोई हिंदू वजीर आला लाना चाहते हैं। तो मैंने इंटरनेशनल फोरम पे जाके मैंने मकबूजा कश्मीर के और आज़ाद कश्मीर पर यह बात के तमाम कश्मीरियों की बतौर सदर आज़ाद कश्मीर नुमाइंदगी की और अब इंटरनेशनल कम्यूनिटी जो भारत का असल चेहरा है उसको पहचान रही है कि वो सिर्फ अगर कश्मीर में नहीं बल्कि खुद भारत में जो मुसलमान हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो सिख्स हैं, उनके साथ जो कुछ कर रहा है। तो हम उस सिलसिले में भी अल्ताफ साहब कह रहे थे कि सिर्फ कश्मीर ना, आज़ाद कश्मीर ना कहें, सारा कश्मीर हमारी जो जिद्दोजहद है, ये आज़ाद कश्मीर आज़ादी का बेस कैंप है और यहीं से हमारी ये कोशिश है कि हम मकबूजा कश्मीर को आज़ाद कराएं। और यकीन हमारा ये नारा है कि कश्मीर कश्मीरियों का है और सारे का सारा है, जिसमें मकबूजा कश्मीर भी शामिल है। तो इसलिए हम जहाँ वो भी उस मुश्किल के बावजूद भी आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तरफ से, कोर्ट की तरफ से, अफसर की तरफ से हम अफगानिस्तान के लोगों के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। इसे भी ये कहेंगे कि बेशक कुछ इख्तलाफात भी हों, लेकिन मुझे यकीन भी है और मेरे पास इतला भी है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इस सिलसिले में अर्थक्वेक के बाद अफगानिस्तान की मदद करना चाहती हैं। बल्कि आज वो जर्मन एम्बेसडर साहब ने भी मुझे पता चला, मुझे बताया गया था जर्मन एम्बेसडर से कि वो आ रहे हैं, लेकिन उनकी शायद कुछ और मसरूफियात होगी, वो नहीं आए। वो आ जाते तो एक बेहतर अंदाज में हम उनके ज़रिए भी पैगाम दे सकते थे कि सारी इंटरनेशनल कम्यूनिटी को और बिलखसूस यूरोपियन कंट्रीज़ को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अफगानिस्तान में जो एक कैटास्ट्रोफी आई है इतने बड़े आर्थक्वेक के बाद, वो पूरी अब ये अपना ग्लोबल विलेज है, तो किसी भी जगह कोई इस किस्म की आती है तो पूरी इंटरनेशनल कम्यूनिटी को, पूरे ग्लोबल विलेज को हरकत में आके मदद करनी चाहिए। तो मैं आखिर में एक मरतबा फिर जनाब जो अख्तर साहब को कोर्ट की तरफ से अफगानिस्तान के लिए जो आप आपके के बाद भी उससे पहले भी जो आपने मदद की थी, इंशाल्लाह ताला आपको खुदा मज़ीद तौफीक दे, मज़ीद आपकी जो